good morning. Guess where we are? Okay, we are first of all exploring a market after a very long time. मैंने अपने चैनल पे बहुत टाइम से कोई न्यू मार्केट एक्सप्लोर करते हुए वीडियो नहीं डाली है. आप लोगों को ऑलरेडी टाइटल से भी पता चल गया होगा और पीछे देख के भी पता चल गया होगा. आई एम इन द वेरी 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 पॉपुलर मार्केट ऑफ गुड़गांव कॉल्ड बंजारा मार्केट. तो इस मार्केट में मोस्टली जो सामान मिलता है वो मिलता है होम डिकोर का. अगर आपको अपना घर सजाना है या ऑफिस सजाना है तो बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे और कम रेट्स में मिलेंगी. सो दिस इज हाउ द मार्केट लुक्स लाइक एग्जैक्टली. काफी ऐसे कच्ची जमीन पे यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने जो भी उनका पास सामान है उसको उन्होंने यहाँ पे इस तरीके से सारे सामान को लगाया हुआ है. ये पूरा ढेर पड़ा हुआ है यहाँ पे ऐसे अल्फाबेट्स का. अगर आपको अपने कंपनी का नाम या फिर आपको अपना नाम, अगर आपको अल्फाबेट्स निकालने हैं यहाँ से तो आप लोग आराम से अपना यहाँ से नाम या जो भी वो बनवा के लेके जा सकते हो और इसको आराम से होम डेकोर की तरह यूज़ कर सकते हो. देखिए ए टू जेड सारे के सारे अल्फाबेट्स यहाँ पे इस तरीके से पड़े हैं. सिरेमिक पॉट्स की, सिरेमिक के बाकी कप्स और ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा वेराइटी है यहाँ पे. फर्नीचर की यहाँ पे इतनी वैरायटी है और इतने मॉडर्न डिज़ाइंस हैं यहाँ पे, मतलब आप लोगों को लगेगा नहीं कि आप ऐसे किसी स्ट्रीट मार्केट पे आए हो अगर आप यहाँ के डिज़ाइंस पे ध्यान दोगे. केजेस हैं बहुत सारे डिज़ाइंस में और बहुत सारे कलर्स में. मिरर्स की काफ़ी वैरायटी है यहाँ पे, मतलब आपको किसी भी साइज़ में अगर मिरर्स चाहिए, ऐसे राउंड मिरर्स, ऐसे वॉल हैंगिंग्स, काफ़ी ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी. तो यानी कि जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको चीज़ें देख के बहुत सारे दिमाग में आइडियाज़ आएंगे और आपको लगेगा अरे मैं इस चीज़ से अपना घर सजा सकती हूँ. मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है दैट यू मेकअप योर माइंड और सोच के निकलो कि मुझे ये खरीदना है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे. व्हेन यू विल कम यू विल सी अ लॉट ऑफ यू नो डिफरेंट वैरायटी ऑफ थिंग्स एंड देन यू विल बी लाइक ये अच्छा लग रहा है. बहुत सारी किचन आइटम्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, लाइक अचार रखने के लिए या फिर सब्जियाँ वब्जियाँ परोसने के लिए. ऐसे खाली फ्रेम्स भी आपको मिलेंगे, लाइक अगर आपको पता है कि आप फॉर एग्जांपल गुड़गांव से नहीं हो, आपको लेके जाना है तो आप ये इस तरीके से तैयार हुए हुए फ्रेम्स लेके जा सकते हो और शीशा जो है, मिरर जो है वो आप अपने शहर में जाके फिक्स करा सकते हो. फर्नीचर की बहुत ही अच्छी वैरायटी लगी मुझे यहाँ पे. देखिए हैंगिंग लैंप्स हैं बहुत सारे. ये भी एक पीस है जो आप वॉल पे इस तरीके के हुक्स की मदद से टांग सकते हो और यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेटिव्स लगा सकते हो या फिर एज अ बुक शेल्फ भी इस्तेमाल कर सकते हो. बहुत सारे डिज़ाइंस में ऐसे बॉक्सेस हैं, इनको आप एज ज्वेलरी बॉक्स या फिर एज मेकअप बॉक्स या किसी भी तरीके के सामान रखने के लिए आप यूज़ कर सकते हो. जो भी सामान आपको यहाँ पे मिलेगा वो काफ़ी, क्योंकि मिट्टी में रखा हुआ है तो इसलिए काफ़ी गंदा मिलेगा और काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी पुरानी, काफ़ी बहुत हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो बहुत पुरानी होंगी तो उन पे मिट्टी पड़ पड़ के उनका बुरा हाल हो चुका है. तो मेक श्योर जब भी आप यहाँ से अगर कोई चीज़ ख़रीदो तो पहले तो देख लो कि कोई ब्रेकेज ना हो, प्रोडक्ट डैमेज ना हो और दूसरा ये कि साफ़ करवा के लो क्योंकि बहुत मिट्टी होती है यहाँ पे. मेरी भी शॉपिंग चल रही है साथ साथ, तो मैं आपको बाद में पहुंचने के बाद दिखाऊंगी मैंने क्या लिया.
So I think I've almost covered everything what you get in the market. There are definitely some really positives and some really really like bad negatives about this market, which I'm going to discuss in detail once I show you the haul. So I'm going to get back now and I'm going to show you what all I got from this market. Hey guys, so I'm back to Mumbai and I'm shooting this haul in Mumbai. तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके आई हूँ, टोटल पांच चीज़ें मैं लेके आई हूँ बंजारा मार्केट से. सो आई एम क्विकली गोना शो यू व्हाट ऑल आई गॉट फ्रॉम बंजारा मार्केट एंड ऑल्सो आई एम गोना टेल यू व्हाट आई एक्चुअली फील अबाउट बंजारा मार्केट एंड हाउ इज़ माई एक्सपीरियंस एंड काइंड ऑफ रिव्यू सॉर्ट ऑफ थिंग. सो द फर्स्ट थिंग विच आई गॉट फ्रॉम बंजारा मार्केट इज दिस इनिशियल ऑफ माई नेम. अच्छी क्वालिटी है ये, बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा. कलर मैं ऐसा चुन के लेके आई हूँ जो थोड़ा जल्दी गंदा हो जाएगा, बट अदरवाइज क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी लग रही है. इसमें यहाँ पे बेस्ट चीज है कि ये टांगने के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको मैं टांग भी सकती हूँ इसको अगर मुझे कहीं टांगना है तो. दिस इज द फर्स्ट थिंग विच आई गॉट फ्रॉम देयर एंड दिस वाज ओनली फॉर ₹50. ऑब्वियसली आफ्टर अ लॉट ऑफ बार्गेन, बट येस ₹50 में मैं इसको लेके आई हूँ. आई रियली वॉन्टेड टू बाई एन एस ऑल्सो, बट मुझे किसी भी डिज़ाइन में जे और एस इकट्ठे नहीं मिल रहे थे. मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको अपने नाम के इनिशियल्स लेने हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ज़रूरी नहीं है उसी डिज़ाइन में आपको जे भी मिल जाएगा, एस भी मिल जाएगा, या के भी मिल जाएगा, पी भी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा. सो या ₹50 फॉर दिस. नाउ द नेक्स्ट थिंग, नॉट रियली प्रिटी थिंग, बट आई नो आई कैन मेक दिस प्रिटी. इट्स एज बीच हेयर, वुडन चीज है ये. यहाँ इसके भी टांगने के लिए चीज लगी हुई है. काफी मतलब डर्टी सी लग रही है देखने में, बट अगर मैं इसको किसी इंटरेस्टिंग कलर से पेंट कर दूंगी तो आई थिंक आई कैन मेक इट अ रियली प्रिटी थिंग एंड आई कैन यूज इट इन माई स्टूडियो और वट एवर. दिस वॉज अगेन आफ्टर अ लॉट ऑफ बार्गेन. आई गॉट दिस फॉर ओनली ₹50. सो ₹50 फॉर दिस एज वेल. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई गॉट इज दिस. अगेन दिस इज ऑल्सो अ वुडन थिंग. ये भी काफ़ी जगहों से ऐसा थोड़ा सा गंदा हो रखा है, इसका पेंट उतरा हुआ है, काफ़ी चीज़ें हैं, बट आई थिंक ये जो इस पर वर्क है, क्रिस्टल्स या ये जो भी चीज़ें लगी हुई हैं इस पर, बहुत ही सुंदर लगी. ट्रीट इस पर लिखा हुआ है. मैं ढूंढ रही थी कि अगर कुछ और अच्छा सा कुछ लिखा हुआ मुझे मिल जाए, पर या ट्रीट इज यू नो नॉट बैड. मैं इसको कहीं पर भी अपने स्टूडियो में रख सकती हूँ. आई थिंक फ्रेम के अंदर रखा हुआ भी ये बहुत अच्छा लगेगा. बहुत प्यारा पीस है. इट्स जस्ट दैट काफ़ी जगहों से टूटा हुआ है एंड ऑल दैट, बट या इसका प्राइस है सिर्फ ₹100. मैं इसे 100 में लेके आई हूँ, तो ₹100 में मैं और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ. दिस इज द नेक्स्ट थिंग फॉर ₹100. नाउ अनदर थिंग आई गॉट, ये है प्लेट. ऐसी मैं चार प्लेट्स लेके आई हूँ, दो इस डिज़ाइन में और दो किसी और डिज़ाइन में. वो दो मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं उसको अपनी जो मेरी फ्रेंड है वृति, उसको आते ही गिफ्ट कर दी थी. उसके घर गई थी तो मुझे कुछ लेके जाना था, तो मैंने सोचा मैं ये प्लेट्स दे देती हूँ. मैं ये चार प्लेट्स लेके आई थी सिर्फ ₹150 की, काफ़ी बार्गेन के बाद. और आई थिंक मुझे बार्गेन करना वहाँ पर थोड़ा सा आसान लगा. वो इसलिए भी लगा क्योंकि नंबर वन रीज़न, मैं ना सुबह के टाइम पे गई थी, तो एवरीबॉडी वाज लाइक अरे बोनी का टाइम है, जितने भी दे दो जितने भी दे दो, बोनी का टाइम है, बोनी करा दो. वन रीज़न वाज दिस एंड सेकंड रीज़न वाज दैट दिस वुमन वाज टेलिंग मी, आप क्लिप देख लो पहले. रीज़न का कारण नहीं बताया कोई? अभी तक नहीं बताए. जाएंगे देखा ऑफिस में बात करके आएंगे, वो नेताजी के पास जाएंगे ना. हाँ. फिर पता पड़ेगा. नहीं पता कहीं भी जाओ बस इतना कहा सारा हटाओ बस. देखते हैं क्या होएगा. बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे ऐसा ना हो. तो ये इलीगल है क्या? यहाँ पे लगाना अलाउड नहीं होगा ना? अलाउड नहीं है इसलिए. बहुत सालों से गुड़िया. सो दिस वुमन वॉज टेलिंग मी, जैसा आप लोगों ने सुना कि 15 के इस महीने ये जो बंजारा मार्केट है वो बंद होने वाला है. उन लोगों को नोटिस आ गया है, बोल रहे थे नोटिस तो काफ़ी टाइम से आया हुआ है लेकिन हम लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे. लेकिन अभी जो है हमें साफ साफ बोल दिया गया है कि आप लोगों को अपना जो ये सामान है सब उठाना पड़ेगा. सो वॉट आई फील, जितना सीरियसली वो लोग बोल रहे थे, इनफैक्ट दे वर टेलिंग मी अरे दीदी कुछ करो ना, आप लोग वीडियो बनाते हो, आप लोग कुछ करो ना, हमारे लिए बात करो ना. Obviously, I can't do anything of that sort. I really wish मैं उनको help कर पाती, but obviously वो लोग illegal तरीके से वहाँ पर बैठे हैं तो कोई भी help नहीं कर सकता है इस चीज़ के लिए. Since they thought कि वो लोग and anyway they are about to close, the market is you know getting shut and all that, so I think they were very desperate to sell the stuff कि जितना निकलता है निकल जाओ. तो वो भी कारण था कि मुझे सामान काफ़ी सस्ते मिला. तो
हाँ, तो ये चार प्लेट्स मैं 150 रुपीस की लेके आई हूँ. दो ये डिजाइन थे और दो अलग और डिजाइन थे. मैं वृति से बोलूंगी अगर मुझे वो फोटोज भेज सके तो मैं उसकी जो क्लिपिंग है वो यहाँ पे ऐड कर दूंगी दोनों प्लेट्स की. नाउ द लास्ट थिंग विच आई गॉट फ्रॉम देयर इज द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग एंड इट इज लिटिल एक्सपेंसिव. लाइक एक्सपेंसिव एज इन इट इज वर्थ इट, बट ये 50 और 100 रुपए के सामान से थोड़ी सी ज्यादा वो है, एक्सपेंसिव है. दिस इज अ स्टूल. बहुत ही सुंदर पीस है, बड़ा ही प्यारा पीस है. यहाँ पे इस पे ये कॉपर कलर का पेंट हो रखा है और ये पूरा मार्बल है. इट इज अ वेरी हैवी पीस. ओके, मुझे ही पता है मैं इसको कैसे सूटकेस के अंदर लेके आई हूँ. इनफैक्ट सूटकेस में लाने की वजह से ये काफी जगहों से इसका जो ये चीजें लगी हुई थी, ये ग्लास वगैरह की चीज, वो काफी जगहों से उतर गई है. बट स्टिल इट डजंट लुक बैड. बड़ा प्यारा पीस लग रहा है यार मुझे ये, और अच्छा खासा हैवी और अच्छी क्वालिटी का है. सो इसका जो उन्होंने प्राइस शुरू किया था, वो शुरू किया था 800 रुपए से आई थिंक, और मैं इसको फाइनली 400 रुपीस में लेके आई. तो 400 रुपीस फॉर दिस. सो टोटल मनी दैट आई स्पेंट इन बंजारा मार्केट वाज 750 रुपीस. अराउंड 750 मैंने इतना ही खर्चा. मुझे चीजें पसंद आ रही थी वहां से, लेकिन मेरा मेन रीजन ये भी था कि मुझे वो सब सामान मुंबई लेके आना था. तो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू गेट एवरीथिंग. कुछ और चीजें थी जो मुझे बेहद पसंद आ रही थी, बट या तो उनका साइज बड़ा था, जैसे कि फ्रेम्स अच्छे थे, और काफी सारी और चीजें थी, बट मैंने कहा यार मैं अल्टीमेटली उनको नहीं लेके जा पाऊंगी. तो अगर मैं बात करूँ फाइनली, मतलब मुझे मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, इज इट अ ये और अ ने फॉर मी, तो आई थिंक बंजारा मार्केट इज डेफिनेटली अ ये फॉर मी. आपको वहाँ पे बहुत सारे अच्छे ऐसे पैटर्न्स मिलेंगे जो आपको फर्नीचर के, या यू नो, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको किसी हाई एंड दुकान पे ही मिलेंगी. तो वैसे डिजाइंस इतने सस्ते में मिलना नो डाउट बहुत मुश्किल है. सो बंजारा मार्केट की ये बात तो अच्छी है कि आपको काफ़ी कम प्राइसेस में बड़े मॉडर्न टाइप के पैटर्न के और डिजाइंस के चीजें मिल सकती हैं. बट व्हाट आई डिड नॉट लाइक अबाउट दैट मार्केट वॉज कि एक होता है ना कि यार कोई ट्राई करे अपने सामान को अच्छे से रखने का, उसे साफ तरीके से रखने का, उसे यू नो एक मतलब एक कोशिश होती है. जैसे किसी भी और हम स्ट्रीट मार्केट में जाते हैं, जैसे कि सरोजनी हो या फिर यहाँ पे कुलाबा कॉजवे हो, तो चाहे वो स्ट्रीट मार्केट हो, बट एटलीस्ट दे ट्राई देयर, दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन यू नो कीपिंग द स्टफ क्लीन एंड उसको अच्छे से प्रेजेंट करते हैं वहां पे. बट बंजारा मार्केट में एक तो पहले ही वो बंजारा मार्केट है, मतलब वो वहां पे जो बंजर सी जो जमीन पड़ी है उस पे उन्होंने सामान रखा हुआ है, तो उसमें इतनी मिट्टी थी, और उस पे ऊपर से उन्होंने ट्राई भी नहीं किया है कि कोई चीज़ को वो तरीके से रख लें, तो यू नो थोड़ी अच्छी सेल्स हो जाएंगी आई एम श्योर. अगर वो उसको थोड़े अच्छे से प्रेजेंट करके रखें तो लोग आई एम श्योर ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे. बट वो इतने गंदे तरीके से रखी हुई हैं, और वो गंदे तरीके से रखने की वजह से आई थिंक उनकी काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज भी होती हैं, क्योंकि ऐसे फेंक के बस फेंक के ऐसे रखी हुई हैं चीज़ें बस, कि हाँ कुछ लेके जाना है तो ले जाओ. दे हैव नॉट पुट एनी एफर्ट्स इन प्रेजेंटिंग द थिंग्स नाइसली. सो काफ़ी गंदा सामान होता है, मतलब आपको आके बहुत अच्छे से उसको साफ करना पड़ेगा एंड ऑल दैट. दैट्स द ओनली थिंग विच आई डिड नॉट लाइक अबाउट दैट मार्केट. एंड ऑल इन ऑल इतने कम प्राइसेस हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि यार इसमें अब आप और क्या एक्सपेक्ट करोगे. सो या दिस इज ऑल व्हाट आई गॉट फ्रॉम बंजारा मार्केट. ज्यादा सामान नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि मुझे सब कुछ कैरी करना था अपने साथ. बट येस, अगर मैं दिल्ली में ही रहती होती या फिर ये मार्केट यहाँ मुंबई में होती, तो मैं नो डाउट ज्यादा चीजें वहां से खरीदी होती विदाउट एनी डाउट. सो या दिस इज इट, दिस इज ऑल व्हाट आई गॉट फ्रॉम बंजारा मार्केट. हाँ, अगर उनके कहने के हिसाब से जो वो मुझे बता रहे थे कि मार्केट बंद होने वाली है, शट डाउन होने वाली है हमेशा के लिए, तो मैं तो यही कहूंगी कि अगर आप लोग दिल्ली जा रहे हो या दिल्ली में ही रहते हो और अभी तक बंजारा मार्केट नहीं गए हो, या फिर गए हो और दोबारा से प्लान कर रहे हो जाने का, तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम टू गो टू बंजारा मार्केट एंड शॉप फॉर द स्टफ, बिकॉज एक तरीके से वो क्लियरेंस सेल चल रही है वहाँ पे, क्योंकि उनको लग रहा है कि बस जो बिक रहा है जल्दी से बेच दो कितने भी प्राइसेस में. सो यू नेवर नो, बंजारा मार्केट बंद हो जाए, एकदम से न्यूज़ आए कि बंजारा मार्केट बंद हो गई है, सो आई थिंक यू गाइज शुड रियली गेट गोइंग टू बंजारा मार्केट अगर आप लोग प्लान कर रहे हो ऑलरेडी. एंड या दिस इज ऑल वॉट आई फील अबाउट बंजारा मार्केट. आई थिंक इट इज थम्स अप फॉर मी. मैं मेरे को बहुत सारा सामान वहाँ पे अच्छा लगा, और आई वुड रियली लाइक टू बाय अगेन फ्रॉम बंजारा मार्केट अगर वो शट डाउन नहीं हुई और मैं दिल्ली गई, तो आई वुड लव टू गो अगेन एंड यू नो बाय सम स्टफ फ्रॉम देयर. सो या दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, आई होप यू एंजॉयड माई हॉल. छोटा था लेकिन ठीक है. सो या आई एम गोना साइन ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो. आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो गाइस. लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थिंक अबाउट द वीडियो, व्हाट यू थिंक अबाउट द मार्केट, एंड ऑल्सो लेट मी नो अगर आप कभी बंजारा मार्केट गए हो तो आपका एक्सपीरियंस क्या
क्या था, क्या आपका भी ये एक्सपीरियंस था या मुझसे थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था, लेट मी नो एवरीथिंग इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड आई लव यू गाइज, थैंक यू सो वेरी मच. आई एम गोना सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.